For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. अजय देवगन की मच एम्बिशियस प्रोजेक्ट तानाजी में हुए सलमान खान की एंट्री। वेल, अजय देवगन इन दिनों अपने ड्रीम प्रोजेक्ट तानाजी को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। ऐसे में एक रीसेंट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सैफ अली खान के बाद अब सलमान खान की भी तानाजी में एंट्री हो गई है। जी हाँ, सलमान इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी के किरदार निभाते नजर आएंगे। हाँ, भले ही सलमान का इस फिल्म में कैमियो होगा, लेकिन बेटा उनके इन दोनों दिग्गज एक्टर्स को एक साथ एक बार फिर एक ही फ्रेम में देखना वाकई दिलचस्प होगा। बताते चले, इससे पहले भी अजय से अपने दोस्ती के खातिर सलमान ने उनके फिल्म सन ऑफ सरदार में एक कैमियो दिया था, और अब एक बार फिर तानाजी द अनसंग वॉरियर के साथ हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। दोस्तों, वैसे तो पिछले कुछ दिनों से ही आमिर खान की अगली फिल्म मोगल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अब म्यूजिक मोगल गुलशन कुमार पर बनने वाली ये फिल्म हुई है शेल्फ। दरअसल पिछले कुछ समय से बी टाउन में मी टू ट्रेंड चल रहा है, और इसी के साथ ही कई नामचीन सेलिब्रिटीज का नाम भी कॉन्ट्रोवर्सीज में जुड़ चुका है। ऐसे में आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा जारी किए गए एक नोटिस में ये बताया गया है कि इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना जोड़ने की चाह से इस प्रोजेक्ट को फिलहाल शेल्फ किया जा रहा है। हालांकि इस नोटिस में ये भी साफ बताया गया है कि आमिर खान प्रोडक्शंस ऐसे किसी व्यक्ति या फिर घटना को बढ़ावा नहीं देते हैं, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट शेल्फ किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपका विश्वास पूरा है आमिर खान प्रोडक्शंस के अपने नोट पर, या फिर कुछ और ही है माजरा? हमें ज़रूर लिख भेजिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ईशान।